हेलो एवरीवन, आपका स्वागत हमारे चैनल ग्रीनक्स में। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने गुड़हल के पेड़ में किस तरह से ज़्यादा फूल पाएंगे। नॉलेजबल होने वाली है वीडियो को, आप लोग पूरी देखिएगा, प्लीज़ स्किप मत करिएगा। सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि आपको अपने गुड़हल के प्लांट को कम से कम 8 या 10 इंच के पॉट में लगाना है और 4 से 5 घंटे की धूप जहाँ पर मिल जाए उसको वहाँ आप रखिए। जी हाँ, और इसकी मिट्टी, दूसरा पॉइंट है, इसकी मिट्टी को आपको वेल ड्रेन बनाना है। जी हाँ, जिसमें पानी डालें आप तो पानी जल्दी से जल्दी निकल जाए। और जब फूल पूरी तरह से खिल जाए, तीसरा पॉइंट है, इसकी हाई प्रूनिंग कर दीजिए। जी हाँ, हाई प्रूनिंग मतलब कि आप जो है मोटे स्टेम को कटिंग कर दें। और इसके बाद दोस्तों, चौथा जो आपको पॉइंट मैं बता रहा हूँ, जिससे आपके जो है गुड़हल में मिलीबग और बहुत से कीट नहीं लग पाएंगे, उसके लिए आपको करना क्या है, आपको नीम ऑयल का स्प्रे बनाना है और 15-15 दिन पे आपको उसका स्प्रे कर देना है। जी हाँ, ये चौथा पॉइंट हुआ आपका। और पांचवा पॉइंट दोस्तों आपका ये है कि आपको अपने प्लांट में सॉफ्ट प्रूनिंग करना है। सॉफ्ट प्रूनिंग से हमारा मतलब ये है कि जहाँ पे बड्स कलियाँ लगती हैं, फूल खिल जाए, तो उसको आपको जो है 1 से 2 पत्ती के साथ कटिंग कर देना है। इसी को सॉफ्ट प्रूनिंग बोलते हैं दोस्तों। और एक काम और आप करिएगा दोस्तों, कि जब फूल खिल जाए तो फूल को दूसरे दिन जब सूख जाए तो उसको तोड़ करके उसे गमले में, पॉट में डाल दीजिए। ऐसा करने से ये फ़ायदा होता है दोस्तों कि आपके जो है प्लांट की ग्रोथ, सूखा फूल नहीं लेगा, वो पूरा ग्रोथ आपके प्लांट में जाएगा, दूसरे कलियों में जाएगा, जिससे फूल ज़्यादा खिलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आपको हमारे ये वीडियो कैसी लगी और हमारा ये सुझाव पॉइंट कैसा लगा, कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा। आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, अब हमें आज्ञा दीजिए, कल मैं फिर मिलूँगा एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। और आप लोग प्लांट लगाते रहें, बच्चों को भी मोटिवेट करते रहें, इस तरह से आप अपनी बगिया को हरा भरा करेंगे। जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, आप लोग इसका फॉलो करें इसका, और इस तरह से आप अपनी प्लांट में ज़्यादा फूल उगा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।